वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ इमली का रायता बनाना। जो इमली की चटनी होती है मीठी चटनी, इसका रायता। तो मीठी चटनी की वीडियो आप मेरी चेक कर लीजिएगा, मैंने मीठी चटनी बना चुकी हूँ। तो अब इस रायते में हमें मीठी चटनी चाहिए, इस वजह से आप एक दफ़ा देख लेंगी, बना लेंगी तो फिर आपको काफ़ी सारी रेसिपीज में उसके काम आएगा। ये बारबेक्यू के साथ, कबाब के साथ, सबके साथ अच्छी लगेगी। तो आपने क्या करना है, मैंने दही लिया है 1 कप। दही के अंदर हमने ज़ीरा लेना है, आपने 1/2 टीस्पून, मैंने ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा लेके इसको हाथ पे ऐसे रखिएगा, ज़रा सा भून लीजिएगा, और हाथ पे ऐसे रख के इसको आप क्रश करके हाथ से इस तरीके से इसमें हम मिक्स करते जाएंगे। ज़ीरा चला गया, 1/2 टीस्पून चला गया ज़ीरा, 1 कप योगर्ट है इसमें, ओरिगानो नहीं सॉरी रोज़मेरी इसमें 2-3 पिंच आप जो है ना इसमें रोज़मेरी ले लें, 3 चुटकियाँ रोज़मेरी की। इसको भी हाथ से आपने इसको रगड़ना है, क्रश करना है, बीच में रख के इस हथेली से इसको ऐसे रगड़ें। तो ये सारी इसमें चली गई। सॉल्ट लिया है मैंने 3 ही चुटकियाँ, 2-3 चुटकी पिंच ऑफ सॉल्ट चला गया इसमें। कोरिएंडर है मेरे पास गार्निश के लिए, बाद में लगाएंगे। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर जो हमने चटनी बनाई है इमली की, ये देखें, ये एक दफ़ा बना के रख लेंगी तो बहुत सारी चीज़ों के साथ, जैसे कोई चाट बना रही हैं दही बड़े फ्रूट चाट, इसमें ये बहुत काम आएगी बारबेक्यू के साथ। ये देखें 2 चमचे मैंने इसमें इसके डाल दिए हैं चटनी के, और ये ख़राब नहीं होती, बस इसमें झूठा चमचा ना जाए चटनी के अंदर, मगर ऐसे में भरें आपके बच्चे इसमें चमचा डाल ही ना सकें। किसी भी केचप की बोतल में, इस टाइप की बोतलें बहुत मिल जाती हैं बाज़ार से, तो उसमें डाल दें। अब इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेते हैं। 1 चम्मच में इसमें और डाल रही हूँ ताकि खटास सही आ जाएगी इसमें। फिर 2 डाल दी थी मगर रुक रुक के डालिएगा, 2 देख रहे आपने देख ली। अगर आपको और चाहिए ज़रा सी खट्टी तो उसमें 1 चमचा और मिक्स कर दें। नमक इस पर आप चेक कर सकते हैं कि इसका सॉल्ट चेक कर लें कि भाई सही है। बस ये रेडी है, इसको आप बारबेक्यू के साथ, किसी कबाब के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खाएं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। इसके लिए आप मेरी ये केचप, ये जो वीडियो है इसकी, इमली की मीठी चटनी की, ये ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि गार्निश के लिए मैं ज़रा सी और ऊपर डाल रही हूँ। ये आप ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालनी है तो। और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, बाकी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, दुआ में याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।